वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है जो भी रिएक्शंस की बात करेंगे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो है यहाँ से MCQ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है और यहाँ पर जो है आपका ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अगर हम लोग सेकेंड रिएक्शन को देखें तो जिंक जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर जो है हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि किस तरीके से हम लोग जो है इस हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके प्रेजेंस को चेक करने की बात करें तो देखिए जब हमारे बीकर में जो है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग मिक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर इस गैस के पास में हम लोग कैंडल को जो है लेकर आते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस क्या करती है? एक पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है या जो हाइड्रोजन होता है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है हमारी एक्सप्लोजन करेगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब भी हम लोग जो है हाइड्रोजन गैस के पास कैंडल को लेकर आते हैं तो ये क्या करती है? एक पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है और इस साउंड के प्रोड्यूस होने की वजह से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम लोग थर्ड रिएक्शन की बात करें तो कॉपर सल्फेट जब हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका क्या होता है? H2S। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारी 1 होती है और सल्फाइड की वैलेंसी हमारी 2 होती है, तो यहाँ पर अगर आप लोग क्रॉस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा? H2S। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब हमारा कॉपर सल्फेट जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? कॉपर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है जो हमारा ब्लैक कलर का PPT होता है और यहाँ पे जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉपर सल्फाइड ये जो हमारा कंपाउंड होता है ये किस कलर का होता है, इसका कलर जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ कि हमारा जो कॉपर सल्फाइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि जब बैरियम सल्फाइट, देखिए सल्फाइट हमारा क्या होता है? SO3 होता है और सल्फेट हमारा क्या होता है? SO4 होता है। तो बैरियम सल्फाइट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? बैरियम क्लोराइड को फॉर्म करता है जो हमारा वाटर में सल्यूबल होता है, साथ ही साथ यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि जब भी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है? एक पंजेंट स्मेल को प्रोड्यूस करती है और इसकी स्मेल जो होती है वो कुछ रॉटन एग्स की तरीके से होती है, ठीक। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे जो है SO2 क्या कर रही है? ये पंजेंट स्मेल को प्रोड्यूस कर रही है और साथ ही साथ ये जो हमारा सल्फाइट होता है और सल्फेट होता है, सल्फाइट हमारा SO3 होगा, सल्फेट हमारा SO4 होगा और इन दोनों की वैलेंसी जो है वो हमारी 2 होगी। अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये दोनों रिएक्शन जो है आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए कॉपर सल्फेट जो है ये हमारा ब्लू कलर का होता है और जब ये हमारे आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन हमारा क्या होता है? ये मोर रिएक्टिव होता है तो ये इसको क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट की सोल्यूशन बनाता है जो हमारे ग्रीन कलर की होती है और कॉपर यहाँ पे क्या हो जाता है? एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं? ये एज ए बाय प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एरो नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा, ठीक। अब अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें
तो कॉपर सल्फेट जो है जब हमारा जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए कॉपर सल्फेट अगेन हमारा ब्लू कलर का होगा, लेकिन जब ये हमारा जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिंक जो होता है ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट। और ये जो हमारा जिंक सल्फेट होता है ये हमारी क्या होती है, ये कलरलेस सोल्यूशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे जो है कलर के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से जो है आपको इन सारी रिएक्शंस को याद होना चाहिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं ये आपका जो 2022 का बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पे इनको एज ए MCQ भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए और सारी की सारी रिएक्शंस जो है मैंने इसमें सॉल्व कराई हैं। अब देखिए जब हमारा फेरस सल्फेट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड को बनाता है, दैट इज Fe2O3 प्लस यहाँ पे क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारी दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही पंजेंट होती है, मीन्स बहुत ही ख़राब स्मेल होती है और ऐसा लगता है कि जो हमारे एग्स हैं वो सड़ गए हैं। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और वो भी लिमिटेड सप्लाई में, आप लोग इसको याद रखिएगा कि जब भी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ लिमिटेड सप्लाई में रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करता है जो हमारा लाइम स्टोन और मार्बल कहलाता है। तो इस ईयर जो आपका 2022 का बोर्ड एग्जाम का अभी जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है CBSE के द्वारा, वहाँ पे जो है आपका एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आया था। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो जब हमारा लिमिटेड सप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है जो हमारा क्या कहलाता है, लाइम स्टोन और मार्बल कहलाता है, और आप लोग इसको डोलोमाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बार आप लोग फिर से याद कर लीजिए इसको और समझ लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करता है, मीन्स यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट में जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। अब आपका एक नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एक्टिविटी बेस्ड भी है। देखिए जब हमारा सोडियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा, वाटर को फॉर्म करेगा, और यहाँ पे हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या उठता है कि किस तरीके से हम लोग जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों के पास दो तरीके हैं। देखिए जिस बीकर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, सपोज करिए सोडियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, देखिए सोडियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब इस बीकर में प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करेगी, ये ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग पेप्सी और थम्सअप पीते हो तो उसके अंदर क्या भरी होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, और जैसे ही आप लोग जो है उस बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो उसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे बबल्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन होती है और एक विसल का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इफरवेसेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे बबल्स की फॉर्मेशन होगी और एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसा कि आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी पीते हो तो वहाँ पे आप लोग क्या देखते हो कि जब भी हम लोग जो है बॉटल के कैप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बबल के साथ एक गैस की फॉर्मेशन होती है और वो गैस हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और सेकंड क्या होगा कि ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिस बीकर में ये प्रोड्यूस होती है, अगर इसके आगे हम लोग कैंडल लेकर के आएंगे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, ये हमारी आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। तो इन दोनों तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब यहाँ से हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए, जब हमारा लेड नाइट्रेट जो है इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देता है, लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो ये जो है ब्राउन कलर के फ्यूम्स के साथ प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बीकर में एक रिएक्शन हो रही है और उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पे वो कौन सी गैस होगी, दैट इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स को रखती है। अब यहाँ से आप लोग जो है दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को देखिए कि जब हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट में इसको एक्सपोज कर दिया जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये हमारा वाइट कलर का होता है, लेकिन जब हम लोग जो है इसको सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये किस कलर का होता है, ये पेल येलो कलर का होता है। देखिए, हर एक रिएक्शन में आप लोगों को कलर के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज जितने भी रिएक्शंस होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन कलर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये पेल येलो कलर का होता है। इसको हम लोग जो है जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये भी क्या कर देता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे हमारा जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं आपकी ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शंस भी कहलाती हैं। अब हम लोग जो है बहुत ही बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं कि जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये हमारा क्या कहलाता है, क्विक लाइम कहलाता है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका स्लेक्ड लाइम कहलाता है और लाइम वाटर कहलाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहलाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर कहलाता है। और साथ ही साथ जो है आपका ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो है वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, मीन्स आपके घर में अगर पुताई होती है तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूना भी बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है अगर अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को देखें तो जब बैरियम क्लोराइड जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बैरियम सल्फेट की फॉर्मेशन करता है जो हमारा वाइट कलर का PPT होता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को देखें तो जब हमारा लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और आयोडीन की भी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या कर देगा, KI बना देगा, और लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और नाइट्रेट की वैलेंसी हमारी 1 होती है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या बनाएगा, लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये फॉर्म करता है लेड आयोडाइड को, क्या फॉर्म कर देता है, ये लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है जो हमारा येलो कलर का PPT होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा ही जा सकता है। तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है जो आपका येलो कलर का PPT होता है, और साथ ही यहाँ पे जो है पोटेशियम नाइट्रेट रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग देखिए कि जिंक ऑक्साइड जब हमारा कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म कर देता है, जिंक की फॉर्मेशन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। अब यहाँ पे आप लोग जो है एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को देख लीजिए कि जब भी हमारे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है कैथोड और एनोड पे कलेक्ट होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है ये हमारी कैथोड पे कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन गैस जो है ये हमारी एनोड पे कलेक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका इस ईयर का एग्जाम का पैटर्न है जहाँ से MCQ वो पूछ सकते हैं, उन सारी रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अब से जो है कंटिन्यू जो है आपके क्लास 10th, 11th, 9th सारे क्लासेस की साइंस की वीडियोस अपलोड होंगी। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इस PDF की लिंक डाल दूंगा, आप लोग जो है बड़े आराम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।